हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अमेज़न कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम जॉब करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आया है। अमेज़न कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें जॉब करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अमेज़न कंपनी ने हाल ही में VCS जॉब की रिक्वायरमेंट निकाली है। VCS का मतलब वर्चुअल कस्टमर सर्विस होता है, जिसमें आपका जॉब प्रोफाइल एज अ कस्टमर केयर सर्विस के तौर पर होता है। आपको अमेज़ॉन के कस्टमर के क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर अमेज़ॉन अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आ कस्टमर आपको कॉल करके या फिर ईमेल करके, चैट करके आपको अपना प्रॉब्लम बताते हैं। आपको बस फ़ोन पर उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना होता है, जिसके लिए आपको अमेज़ॉन की तरफ से ट्रेनिंग भी दिलवाई जाती है। तो वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि VCS क्या होता है और VCS जॉब के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं VCS जॉब के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेज़न VCS जॉब पूरा इंडिया में इसका रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे इंडिया में इसका रिक्वायरमेंट निकाला गया है। यहाँ पर देख सकते हो अमेज़न VCS जॉब के लिए आपका क्वालिफिकेशन 10th+2 होना चाहिए। उसके बाद आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो रिटन एंड वर्बल में दोनों में अच्छा होना चाहिए। आपका जो जॉब है वो 24/7 शिफ्ट में रहेगा, ठीक है, और आपका वीकली ऑफ भी आप लोगों को मिलता है। उसके बाद आपका 10 Mbps का इंटरनेट स्पीड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को बताया गया है, बैंक अकाउंट आप लोगों का एक चाहिए, पैन कार्ड और एक आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एडिशनल बेनिफिट एट अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस में आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, सोडेक्स मिल कार्ड मिलता है अमेज़ॉन की तरफ से, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है आप लोगों को फ्रेंड्स, नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, और आप लोग वर्क फ्रॉम होम करते हो तो इंटरनेट अलाउंस भी मिलता है आप लोगों को। तो इतने सारे बेनिफिट्स आप लोगों को अमेज़ॉन कंपनी की तरफ से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो VCS जॉब से रिगार्डिंग आप लोगों को सारा डिटेल यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, आप लोग डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को जो अप्लाई करना है, अप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट में आप लोगों को अमेज़न VCS जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को असिस्टमेंट देना होता है। असिस्टमेंट को जब आप लोग क्लियर कर लेते हो, पास हो जाते हो, तो उसके बाद आप लोगों को एक पोस्ट असिस्टमेंट देना होता है। जब ये दोनों असिस्टमेंट को आप लोग क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपका फाइनल ईमेल आप लोगों को किया जाता है कि आप लोग जॉब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डिटेल आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को फाइंड जॉब में आप लोगों को क्लिक करना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को लोकेशन वाइज आपका यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हो नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु, आपको सभी लोकेशन के आपको यहाँ पर वैकेंसीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जिस जगह से हो आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर देना। वर्चुअल कस्टमर सर्विस जॉब को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक करना है। आपका जो भी लोकेशन है उस लोकेशन वाइज आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया फ्रेंड्स, प्रोसेस चालू हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों का अप्लाई करने का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वर्चुअल कस्टमर सर्विस, यहाँ पर नोएडा आपका जॉब रोल जो है वो आप लोगों का डिटेल में बताया गया है। उसके बाद आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा अमेज़न VCS जॉब को करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आप लोगों का फर्स्ट नेम आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ मिडिल नेम, उसके बाद आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर आप लोगों को फिल करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को लैंग्वेज डिटेल यहां पर फिल करना होगा। तो लैंग्वेज डिटेल में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपका मदर टंग क्या है, तो आप लोगों को अपना मदर टंग जो है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का जो मदर टंग है वो आप लोगों का कितना अच्छा है पढ़ने में, तो आप लोगों को पढ़ने में कितना अच्छा है तो आप लोगों को प्रोफिशिएंट में आप लोगों को क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्रोफिशिएंट में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि आपका जो मदर टंग है आप लोग बोलने में कितने अच्छे हो, तो आप लोगों को प्रोफिशिएंट में क्लिक कर देना। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, तो आपका जो मदर टंग है वो तो सभी का अच्छा होता है, तो आप लोगों को प्रोफिशिएंट में आप लोगों को क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप लोग दूसरा लैंग्वेज कौन सा आप लोग जानते हो,
मदर टंग के अलावा, तो आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जो दूसरा लैंग्वेज हो वो आपको पढ़ने में कितने अच्छे हो, तो आप लोगों को बिगनर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप लोग अच्छे हो तो आप लोग प्रोफिशिएंट में भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को पूछा जा रहा है कि जो आपका दूसरा लैंग्वेज है वो आपको बोलने में कितना अच्छा है, तो आप लोग बिगनर पे क्लिक कर सकते हो या प्रोफिशिएंट में क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लोग इसको स्किप भी कर देना। यहाँ पर जितने भी स्टार के निशान है ना फ्रेंड्स, जो स्टार के मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं, तो वो सारे भरने ज़रूरी हैं। बाकी जिसमें स्टार्स नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो स्टार मार्क किया हुआ नहीं है, तो इनको भरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करना। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप डिजेबिलिटी हो गया, ठीक है, मतलब आप दिव्यांग हो गया, तो आप लोगों को नो कर देना है। नो आई डोंट हैव डिजेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिटीजन आपसे पूछ रहा है, तो सिटीजन में आप लोगों को इंडिया सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। उसके बाद एड्रेस डिटेल आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को अपना फुल एड्रेस को यहाँ पर फिल कर देना है, अपना करंट सिटी, आपका करंट स्टेट, आपका पिन कोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर रेफरल डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, तो इसे भी स्किप भी कर सकते हो क्योंकि रेफरल डिटेल कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों से क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल, तो आप लोगों को यहाँ पर 12th या डिप्लोमा कर देना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, 3 ईयर डिप्लोमा कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। अपना स्कूल बोर्ड जो है वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, ईयर ऑफ पासिंग आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक्सपीरियंस डिटेल आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो एक्सपीरियंस डिटेल में आप लोगों को फ्रेशर कर देना, अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अदर डिटेल में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से फ्रेंड्स कि आपका जो एसोसिएट जॉब जो है उसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोग यस पे क्लिक कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग से पूछा जा रहा है कि आपका जो सैलरी रेंज है उसके लिए आप कंफर्टेबल हो, जो हम सैलरी रेंज करेंगे, तो आप लोगों को यस में क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जॉब लेना है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यस पे क्लिक करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वुड यू बीन विलिंग टू वर्क ओवर टाइम, आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर ओवर टाइम करने के लिए तैयार हो, तो आप लोग यस पे क्लिक कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप लोग शिफ्ट करने के लिए तैयार हो, तो जो डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट होता है, तो आप लोगों को इसमें भी यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग टेलीफोन, चैट, ईमेल के द्वारा आप लोगों को कस्टमर को समझाना है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो, तो आप लोगों को यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जब वर्क फ्रॉम होम करोगे तो आपके घर में वायर्ड इंटरनेट है, तो आप लोग यस कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू हैव सेविंग बैंक अकाउंट, तो आप लोगों को यस कर देना है कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, तो यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने कभी अमेज़ॉन पे काम किया है, आपने अमेज़ॉन का एम्प्लॉयड है, तो आप नो पे क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आप लोगों को पैन कार्ड सेलेक्ट करके यस कर देना है, उसका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है, और यहाँ पर आप लोगों का आधार कार्ड सेलेक्ट करके यस करना है, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर आप लोगों को फिल करना है, और आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोगों को खुद का अपलोड करना है, जो जिसका साइज़ मैक्सिमम 3 MB होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, इतना सारा डिटेल्स आप लोगों को भर लेने के बाद आप लोगों को आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हो 3 जगह आई एग्री पे क्लिक करना है, आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे फ्रेंड्स, आपका जितना भी डिटेल है वो अमेज़ॉन कंपनी के पास चला जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अमेज़ॉन कंपनी वाले आपके डिटेल्स को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को मेल करते हैं कि आप लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो। आप लोगों को एक असिस्टमेंट लिया जाता है और एक पोस्ट असिस्टमेंट लिया जाता है, तो ये दोनों आप लोगों का स्टेप है, ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अमेज़ॉन का जॉब जो होता है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा इसका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो इसके लिए आप लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आप लोग तैयारी कहाँ से कर सकते हो, तो आप लोग तैयारी YouTube से कर सकते हो फ्रेंड्स। Amazon VCS एग्ज़ाम टेस्ट के बारे में आप लोग वहाँ सर्च करोगे तो बहुत सारे आप लोगों को वहाँ पर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।